हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज एग्जीक्यूटिव की छात्रों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है 29 मई 2021 यानी आज ही की नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले बताते हैं उसमें क्या डिस्कस किया गया दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर ताकि जिसको अपडेट आती है आप तक पहुँच सकते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों, मेरा देरी की हुई है। जैसे तो 29 मई 2021 का नोटिस है यानी आज ही कुछ देर पहले का सर्कुलर है दोस्तों, और इसका विषय क्या है, इसका विषय हम बताते हैं 29 मई 2021, और इसका विषय यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019-20 की, यह इसका विषय है जो एमटेक एम फार्मा और एमआर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो एमटेक एम फार्मा और एमआर के पाठ्यक्रम के रेगुलर कैरियर छात्र हैं उनकी जो थीसिस और डिजर्टेशन का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा के संबंध में इसमें जारी किया गया है, तो बाकी स्टूडेंट स्किप भी कर सकते हैं, इसमें यही इन्फॉर्मेशन है। चलिए हम बताते हैं क्या इस पूरी अपडेट। देखिए, इसमें ये बताएगा कि जो जिन छात्रों का जो है थीसिस वगैरह किसी भी त्रुटि वगैरह के कारण अगर मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो सका था, यानी किसी भी कारणवश उनका नहीं हो सका था, तो ऐसे सभी छात्राओं को अपनी थीसिस वर्ड फाइल में बनाकर दिनांक 28 मई 2021 तक जो कि निर्देश दिए गए थे किस पर, इस ईमेल पर JCOE उसके बाद जो है L@executive.ac.in, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है सही से इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए JCOEL@executive.ac.in पर आपको पहले मेल करना था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या कहा गया है कि जिसके उपरांत संलग्न सूची में अंकित छात्रों को थीसिस जो है जमा कर लिया गया, अतः संलग्न सूची में पात्र पाए गए संबंधित भी छात्र हैं उसमें वायबा में उपस्थित होने के लिए ERP लॉगिन, यानी जिन लोगों का जो है सिलेक्ट हुआ उसका अभी लिस्ट नीचे दी गई, मैं अभी आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है, उसकी जो है ERP लॉगिन मेल ID और या फिर WhatsApp वगैरह के थ्रू आपको SMS ऑनलाइन लिंक दिनांक समय की जानकारी दी जाएगी, यानी जो भी होगा व्हाट्सएप या फिर जो है कोई किसी अन्य माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और अपात्र पाए गए छात्राओं का डिजर्टेशन आगामी सत्र 2020-21 के साथ संपन्न होगा, यानी अभी जो है उनका बाद में होगा जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो नोटिस वगैरह आई है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जो नोटिस जो लिस्ट है जिसमें जिन छात्रों का हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट, यहाँ पर आपको PDF आपको मिल जाएगा, वो चाहे टेलीग्राम वगैरह पर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे कमेंट करके ले लेना या फिर आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं executive.ac.in के ऑफिशियल सर्कुलर पे जो आया हुआ है ये, और वहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे नेम वगैरह इसमें लिस्ट काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बताऊंगा तो काफ़ी डिटेल में जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना अपडेट थे, अगर आपको कोई डाउट हो या आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग कमेंट करें। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।